नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केट से जब हम क्रोटन का पौधा खरीद कर लाते हैं नर्सरी से, तो उसे हमें किस प्रकार ट्रांसप्लांट करना चाहिए, क्या उसके साथ हमें प्रिकॉशन लेनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि लोग की शिकायत होती है कि पौधा जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो कुछ दिन तो चलता है, लेकिन उसके बाद सर्वाइव नहीं कर पाता, पौधा मरने लग जाता है और पौधा मर जाता है। तो दोस्तों, उसमें जो सबसे बड़ी कमी होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा दोस्तों, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है वीडियो। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो दोस्तों देखिए, जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो ये है कि जो नर्सरी वाले हैं वो इस प्लांट को लगा के देते हैं चिकनी मिट्टी में। देखिए, वाटरिंग अभी हुई हुई है, लेकिन उसके बाद भी ये पौधा, ये मिट्टी देखिए आप, इसकी काफ़ी हार्ड है। तो इस हार्ड मिट्टी में पौधा जो है सर्वाइव नहीं कर पाता, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें ये इसकी रूट्स फीड नहीं कर पाती हैं। इस वजह से पौधा स्टार्टिंग में जब आप ग्रो बैग में लगाते हैं या गमलों में लगाते हैं तो सर्वाइव करता है, थोड़ी ग्रोथ दिखती है, पर कुछ दिन बाद पौधा मरने लग जाता है, यही इसका मेन रीज़न होता है। तो इसे हम कैसे लगाएं, वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी, आखिरी तक बने रहिएगा। तो आइए, इसका मैं तरीका बताता हूँ आपको कि इस मिट्टी को कैसे हटाना है। क्योंकि अगर हम हाथों से हटाएंगे या किसी टूल्स की मदद से हटाएंगे तो जो इसका रूट बॉल है वो डिस्टर्ब होगा, और रूट बॉल डिस्टर्ब होगा तो पौधा शॉक में आ जाएगा, पौधा मरने लग जाएगा। तो हमें इसके रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो आइए, मैं दिखाता हूँ आपको, हमें इसको पानी की मदद से हटाना है। तो कैसे हटाना है, आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, एक बाल्टी में हमने पानी ले लिया है, और पानी का लेवल हमें उतना रखना है जितना कि हमारे पौधे की जो मिट्टी है, जहाँ से मिट्टी स्टार्ट होती है, वो पूरी मिट्टी इस पानी में गीली रहे। तो देखिए, ये मेरे दो पौधे हैं क्रोटन के, इन दोनों को मैं इस बाल्टी में इस प्रकार से आराम से रख दूँगा। देखिए, दोनों ही पौधों को आराम से हमें इस बाल्टी में रख देनी है, और इस प्रकार से देखिए हमने दोनों पौधे रख दिए। अब इसे करीब हम आधे एक घंटे तक के लिए ऐसे छोड़ देंगे, उसके बाद फिर हम इन पौधों को निकालेंगे। तब तक चलिए हम देख लेते हैं कि मिट्टी किस प्रकार की तैयार करनी है। तो दोस्तों, ये जो देख रहे हैं आप, मिट्टी हमने तैयार करी हुई है। तो दोस्तों, जो क्रोटन का पौधा है, ये हमारा इंडोर प्लांट है, तो इसे हमने हमेशा इस पर कोई धूप नहीं पड़ रही है, तो इंडोर प्लांट्स के लिए जो मिट्टी बनती है वो सबसे बेस्ट तब होती है जब उसमें ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा हो, मतलब कि पानी उसमें रुके ना, ड्रेनेज होल के रास्ते आराम से निकल जाए। तो इस प्रकार मिट्टी बनाने के लिए देखिए, जो मैंने मिट्टी बनाई हुई है, ये इसमें मैंने एक भाग नॉर्मल गार्डन सॉइल लिया हुआ है, एक भाग मैंने इसमें रेत ले लिया है, और उसके अलावा मैंने एक भाग इसमें लिया हुआ है जो किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाता हूँ मैं, वो है, आप देख सकते हैं इसमें अंडे के छिलके, वाइट वाइट जो दिख रहे हैं आपको, ये अंडे के छिलके हैं जो कि डिकम्पोज होने में थोड़ा टाइम लेते हैं, पर ठीक है, वो कोई नुकसान नहीं करेंगे। तो ये तीन भाग मिला के हमने मिट्टी तैयार की हुई है। और इसमें एक चीज़ मैं आपको दिखा दूं कि इस मिट्टी में मैं दो गमलों के लिए दो मुट्ठी राख का इस्तेमाल करूंगा, और कोई मैं फंगिसाइड पाउडर नहीं इस्तेमाल करूंगा। ये इसकी बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, ये एंटी फंगल भी है, और ये जैविक खाद का भी काम करती है, तो इसलिए हम इसमें राख का यूज करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें मिला के हमने मिट्टी तैयार की हुई है, और इस मिट्टी को हम भरेंगे इस गमले में। ये देखिए, 10 इंच का मेरा प्लास्टिक पॉट है, अगर आप सेरामिक पॉट या क्ले पॉट लेते हैं तो वो भी वेस्ट है। मैं आपको दिखाऊं कि ये प्लास्टिक पॉट है, इसलिए मैंने इसमें ढेर सारे ड्रेनेज होल कर रखे हैं, क्योंकि ये ड्रेनेज होल ही होते हैं जिनके रास्ते जो एक्सेस वाटर होता है वो हमारे इंडोर प्लांट्स के निकालने होते हैं, क्योंकि धूप तो पड़ती नहीं है डायरेक्ट, तो कोई वाष्पीकरण होता नहीं है। तो इन ड्रेनेज होल को हमें ब्लॉक करना है, मतलब किसी चीज़ से ढकना है, ताकि मिट्टी से ये जाम ना हो और मिट्टी इस रास्ते ना निकले। तो आप इसमें छोटे छोटे कंकड़ पत्थर के टुकड़े भी डाल सकते हैं, या फिर आपके किचन वेस्ट से निकली हुई जो सब्जियां हैं, छिलके हैं, या पत्ते, जो सूखी पत्तियां हैं गार्डन से निकल रही, उन्हें भी डाल सकते हैं। तो मैंने कंकड़ पत्थर नहीं डाले, चूँकि वेट बढ़ता है उससे, और अभी गार्डन की सूखी पत्तियाँ मेरे पास मौजूद नहीं थी, तो मैंने ये कुछ कार्डबोर्ड के टुकड़े काट के डाल दिए हैं। ये बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि ये कुछ समय बाद गल के मिट्टी में मिल जाएंगे, और इनसे जो है एयरेशन भी काफ़ी अच्छा होता है नीचे ड्रेनेज होल के रास्ते, और जो एक्सेस वाटर होता है वो आराम से निकल जाएगा।
तो इस प्रकार मैंने गमले को बना लिया है और इसमें हम ये मिट्टी भरेंगे। तो आइए चलते हैं पौधे पे। और तो दोस्तों पूरे एक घंटे बाद हम देखते हैं कि हमारे जो गमले में हमने पौधे छोड़ रखे थे पानी में, उनकी क्या स्थिति है। तो मिट्टी अच्छे से लूज हो गई है, अब इसे हम बाहर निकाल देंगे दोनों ही गमलों को। तो दोस्तों इस प्रकार देखिए हमने इन पौधों से अपने मिट्टी को बिल्कुल अलग कर लिया है। अभी भी देखिए कुछ मिट्टी हमारी जो चिकनी मिट्टी है इस इनके रूट्स में है, पर इनको बहुत ज़्यादा हमें टाइट हाथों से नहीं रिमूव करना है कि रूट्स हमें डैमेज नहीं चाहिए। तो थोड़े बहुत अगर रह जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोनों पौधे मैं आपको दिखाऊं, तो रूट बॉल को बिना छेड़ते हुए, बिना डैमेज करते हुए हमने सारी मिट्टी को अलग कर लिया है, देखिए इन ग्रो बैग्स से। और इन ग्रो बैग्स को हम रख लेंगे क्योंकि इनमें बहुत ही अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होता है, पानी बिल्कुल भी रुकता नहीं है। तो कटिंग्स ग्रो करने के लिए इन्हें रख लेना चाहिए, आप इनमें आराम से कटिंग ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी कटिंग्स इसमें ग्रो होती हैं। तो दोस्तों अब जो सवाल आता है कि आखिर नर्सरी वाले इस चिकनी मिट्टी में पौधे क्यों ग्रो करके देते हैं हमें, इसका दोस्तों जो मेन रीज़न होता है कि नर्सरी वालों को पौधों को लगाने के बाद जब वो कटिंग्स लगाते हैं या नए पौधे लगाते हैं तो उसमें उन्हें बार बार इधर उधर शिफ्ट करना रहता है। तो पौधे चिकनी मिट्टी में जब लगाते हैं तो उसमें ज़्यादा हिलता नहीं है पौधा, तो काफ़ी ज़्यादा पौधे इसमें स्टेबल नहीं होते हैं। चिकनी मिट्टी में बहुत ज़्यादा पौधे स्टेबल होते हैं, तो इन्हें ग्रो बैग्स अगर हम हिलाते भी हैं, बार बार मूव भी करते हैं, तो ज़्यादा इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। और दूसरी चीज़ की दोस्तों ये ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसे बाहर से पौधे आ रहे होते हैं तो ट्रक में या फिर किसी गाड़ी में, तो ये इस ग्रो बैग में चिकनी मिट्टी में लगे होने की वजह से इनको कोई नुकसान नहीं होता है। तो इसे घर पे ले आने के बाद हमें बहुत अच्छे से साफ़ करके अपनी फ्रेश जो सॉयल हम गार्डन सॉयल बनाते हैं उसमें लगाना ज़रूरी है, तभी ये पौधे सक्सेस होके चलेंगे। तो दोस्तों अब हम इन पौधों को इन ग्रो बैग्स में लगाएंगे, तो उसके लिए देखिए मैंने आपको दिखाया कार्डबोर्ड से मैंने इसे भर लिया है। उससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि ये जो मिट्टी है गमले की, मैं इसमें कुछ मिट्टी डाल देता हूं इस प्रकार से, देखिए, और एक मुट्ठी के आसपास मैं जो राख है इसका यूज करूंगा, इसमें मिला लूंगा, और थोड़ी सी और मिट्टी ऊपर से मैं डाल के इस मिट्टी को इसमें अच्छे से मिला दूंगा राख में, जिससे कि जो भी रूट्स के पास एंटी फंगल प्रॉपर्टी अगर होगी कोई तो वो पनपेगी नहीं। और इस प्रकार देखिए हमने इस मिट्टी को दबा लेना है हल्के हाथों से, क्योंकि एयर पॉकेट जो बन जाता है मिट्टी में अगर नहीं दबाते हैं तो एयर बबल्स, तो वो फिर ग्रोथ करने में पौधे के लिए काफ़ी मुश्किल पैदा करता है। तो इस प्रकार से देखिए हमने मिट्टी भर लेनी है और उसे हल्के हाथों से दबा के फिर पौधे को बहुत आराम से रख के चारों तरफ से मिट्टी डाल देनी है हमें। फिर मिट्टी भरने के बाद हमें इसे हल्के हाथों से दबा लेना है, इससे क्या है कि रूट्स डैमेज नहीं होंगी और पौधा स्टेबल हो जाएगा। अब इसमें हमें ऊपर से थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है वाटरिंग के लिए, इस प्रकार से देखिए हमने पौधे को लगा के छोड़ दिया। इसी प्रकार हम दूसरे वाले पौधे को भी लगा लेंगे। और इसमें भी हम इस प्रकार से करीब एक मुट्ठी के आसपास राख डालकर इसे इस मिट्टी में अच्छे से मिला लेंगे। तो राख दो तरह से वर्क करेगी, एंटी फंगल का भी और जैविक कंपोस्ट का भी, जिसमें नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में मिलती है वुड एस में। तो इस प्रकार से हमने इसको भी मिट्टी को हल्के हाथों से प्रेस कर लेना है और फिर इस पौधे के रूट्स को आराम से इस पर रख के फिर हमें चारों तरफ से मिट्टी से कवर कर देना है। इसे हल्के हाथों से दबा देंगे चारों तरफ से, पौधा हमारा एक बार स्टेबल हो जाएगा। ये देखिए मिट्टी को हम दबा देंगे
और ये लग गए हमारे दोनों पौधे। अब इसमें हमने कर देनी है वाटरिंग, और वाटरिंग करने के बाद दोस्तों इन पौधों को हमें रखना है, अभी हम अंधेरे में नहीं रखेंगे पर सनलाइट में इन पौधों को नहीं रखना है। तो इससे हम कर देते हैं वाटरिंग, और वाटरिंग दोस्तों हमें इतना करना है कि जो पानी हमारा है वो ड्रेनेज होल के रास्ते बाहर आ जाए। कहने का मतलब है कि पूरी मिट्टी जो गमले की है वो गीली हो जाए। तो हमें पूरी मिट्टी को गीला करना है फर्स्ट टाइम। देखिए हम दोनों ही पौधों में वाटरिंग कर दे रहे हैं, अच्छे से पानी से भर देंगे इसे, और इसे हम रख देंगे किसी शेडेड एरिया में जहाँ डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। तो इस प्रकार दोस्तों अगर आप पौधे क्रोटन का पौधा ले आके लगाते हैं तो 100% सक्सेस की गारंटी है। तो दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई आपके पास सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।